IPL 11 में इन प्लेयर्स पर होगा मुंबई की टीम का दारोमदार, ऐसी है उनकी परफॉर्मेंस। IPL का नया सीजन शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। इस नए और टूर्नामेंट के 11वें सीजन का पहला मैच 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच खेला जाएगा। बता दें कि मुंबई इस टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल टीम है। पिछला IPL जीतकर इस टीम ने यहां सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनने का नया रिकॉर्ड बनाया था। मुंबई इंडियंस इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है जो 3 बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीत चुकी है, वहीं एक बार वो रन अप भी रह चुकी है। मुंबई की टीम साल 2013, 2015 और 2017 में IPL चैंपियन बनी थी, वहीं साल 2010 सीजन में वो उपविजेता रही थी। इस टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन इसके कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 159 मैचों में 4,207 रन बनाए हैं। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर का नाम लसित मलिंगा है, जिन्होंने 110 मैचों में 154 विकेट लिए हैं। हालांकि इस सीजन में वे टीम में नजर नहीं आएंगे। मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट के सभी 10 सीजन को मिलाकर कुल 157 मैच खेले हैं, जिनमें से 91 मैचों में जीत हासिल की, वहीं 65 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इस सीजन में मुंबई की टीम में रोहित शर्मा के अलावा इविन लुइस, ईशान किशन, सौरभ तिवारी और सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन हैं। वहीं हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, किरण पोलार्ड, जेपी डुमिनी जैसे कई ऑलराउंडर भी हैं। बॉलिंग की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, मुस्तफिजुर रहमान, मिशेल मैकलिंगन, पैट कमिंस जैसे बॉलर्स पर होगी। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट।